रात में बिस्तर पर सोने से पहले आप जिस किसी के बारे में सोच रहे होते हैं वो या तो आपकी खुशी का कारण होता है या फिर आपके दुख का कारण होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सच में है तो आप वीडियो को पूरा देखें। आज आप कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक फैक्ट सुनने जा रहे हैं जो आपके भविष्य में जरूर काम आएंगे। आप देख रहे हैं हिरण्य फैक्ट्स। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि एक व्यक्ति आमतौर पर सच्ची कहानी बताते समय कहानी के हालातों के साथ अपने हाथों को हिलाता है, लेकिन झूठी कहानी बताते वक्त उस व्यक्ति के हाथ स्पष्ट रूप से नहीं हिलेंगे। चलिए अब अगला तथ्य सुनते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य दूसरों को बताते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इससे आप अपना मोटिवेशन खो देते हैं और आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। देर रात को बात करने पर ज़्यादातर लोग सच बोलते हैं, क्योंकि पूरे दिन की थकान के कारण दिमाग ज़्यादा सोच नहीं पाता है और ईमानदारी से जवाब देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फैक्ट्स आज आप सुनेंगे ये कोई मेरा फैक्ट्स नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया हुआ मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो कि बिल्कुल सच है। अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखने से हम ज़्यादातर खुश होने लगते हैं। इसका कारण है कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा दिमाग हमें अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों को सोचने से रोकता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि ये उन्हें हल करने के लिए उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। यही मुख्य कारण है कि हमें बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है। हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ जानकारी को प्राप्त करने का काम करती है और दिमाग उस छवि का संग्रहण करता है। किसी भी व्यक्ति के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति के 20 सेकंड से ज़्यादा देर तक गले लगने पर हम उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो आप संगीत सुनकर अधिक सीख सकते हैं। संगीत सुनने से आपको अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलती है जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। दुनिया के 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम में ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका पसंदीदा गाना आपका पसंदीदा क्यों होता है? क्योंकि आपका पसंदीदा गाना वही होता है जो आपके वास्तविक जीवन की भावनात्मक घटनाओं से जुड़ा होता है, जिसे सुनकर आपको खुशी मिलती है और आप बार बार सुनते हैं और वो गाना आपका पसंदीदा गाना बन जाता है। आमतौर पर लोग अच्छी और सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और गलत और बुरी बातों पर विश्वास बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। किसी के बारे में अच्छी बात सुनकर लोग एक बार उस व्यक्ति से पूछते जरूर है, मगर बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। कई शोधों से ज्ञात हुआ है कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदने की बजाय अगर अपने अनुभव जैसे खेल, सिनेमा, वाहन या यात्रा पर पैसा खर्च करते हैं तो उस व्यक्ति को अधिक संतुष्टि होती है। अनुभव पर पैसा खर्च करने से इंसान अधिक मिलनसार और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। अक्सर जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो व्यक्ति हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहा होता है और इसी वजह से वो व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक नहीं हो पाते हैं और उनके दोस्त भी बेहद कम होते हैं। जो लोग हमेशा डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं वो बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते हैं और ना ही ज़्यादा अंतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो का कुछ अनसुने मनोवैज्ञानिक तथ्य। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।